गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट की जो वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे, जब तक हमारी डली थी अक्टूबर तक, हम लोग बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की। हम लोग बात करते थे, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन क्या कहते हैं हमसे, जो कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होगा, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फूड मटेरियल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिंपल फूड मटेरियल में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ समझेंगे कि हमने पिछली वीडियोस में, क्योंकि 1.5 महीने का एक लंबा टाइम पीरियड हो चुका है बीच में, कि अब तक हमने क्या देखा था, बाकी हम लोग कल से वापस से चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने ये बात की थी, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल अब किस में चेंज हो जाए, सिंपल फूड मटेरियल में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो इसको हमने बोला था डाइजेशन। इसको हमने बोला था डाइजेशन। जैसे कि हमने बात की कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल में ग्लूकोज की, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल में हमने बात की ग्लूकोज C6H12O6 की, बात की सिंपल कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे इसके, CO2 और H2O, ये क्या हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे। जैसे हमने प्रोटीन के हम लोग बात करते हैं, प्रोटीन बना हुआ होता है अमीनो एसिड से, प्रोटीन को यदि ब्रेक कर दिया जाए, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएंगे, अमीनो एसिड्स में टूट जाएंगे। फैट की यदि बात की जाए तो फैटी एसिड्स में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये डाइजेशन जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये किस चीज़ से मिलके बना है, एक होती है एलिमेंट्री कैनाल, एक क्या होती है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि कहाँ तक होगी, माउथ, NS, माउथ से लेकर NS तक क्या होगी, पाई जाएगी, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये लिखा भी हुआ है माउथ टू एनस, ठीक है ना, यहाँ तक पाई जाएगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्लस इसमें बहुत सारे सेक्रेशंस रिलीज किए जाते हैं, किसकी हेल्प से, डाइजेस्टिव ग्लैंड की हेल्प से। डाइजेस्टिव ग्लैंड की हेल्प से क्या किए जाते हैं, बहुत सारे सेक्रेशन रिलीज किए जाते हैं, इसी को हम लोग, इन दोनों को ही मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है ना, डाइजेशन बोल देते हैं। अब डाइजेशन क्या हो जाएगा, डाइजेशन कोई भी ऐसा सिस्टम है जो कि एलिमेंट्री कैनाल से और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड पे हमने पढ़ा था लिवर, पेनक्रियाज और स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि स्लाइवा का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट माउथ हो जाएगा, बक्कल कैविटी जो कि होता है, ठीक है ना, माउथ की ओपनिंग जहाँ पे होती है बक्कल कैविटी। फिर उसके बाद में फेरिंग्स आ जाता है, ऑसियोफ्रेगस आ जाता है, फिर स्टोमक आ जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो जाएंगे। ओके, तो डाइजेशन की वो क्या हो सकती है, क्या हो सकती है डेफिनेशन, द सिस्टम ऑफ बॉडी इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज कन्वर्टेड इंटू सिंपल एंड एब्जॉर्ब सब्सटेंस बाय दियर एंजाइमेटिक प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब स्ट्रक्चर बात की जाए, एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो हमने इसके कुछ पार्ट्स बताए, अभी भी मैंने ऊपर भी बताया, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ऑसियोफ्रेगस, स्टोमक, ठीक है ना। स्टोमक के अंदर ही क्या होता है, हमेशा SCL रिलीज किया जाता है, SCL रिलीज किया जाता है, ड्यूडिनम। ड्यूडिनम क्या होती है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसका जो आगे वाला भाग होता है, जो कहाँ पर, जिसका स्टोमक का लास्ट पार्ट कहाँ पे ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडिनम बोलते हैं, जो कि यू आकार में पाया जाता है वो, ठीक है ना। एंड ईलियम, ये ईलियम कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होगा वो कोलोन होगा और रेक्टम होगा, फिर लास्ट में आ जाएगा आपका एनस। रेक्टम का काम होता है जो फिशियस होता है, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, अनअब्जॉर्ब फूड होता है, उसको स्टोरेज करने वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेक्टम, उसे हम लोग बोलते हैं रेक्टम। एनस से जो अनअब्जॉर्ब फूड है उसको रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है ना। फिर हमने कुछ इस प्रकार से क्या देखा था, एक डायग्राम देखा था जिसमें ये माउथ था, ये जो माउथ कहाँ पे ओपन होता है, हमेशा बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होगा, बक्कल कैविटी के अंदर क्या होगा, ओपन होगा। बक्कल कैविटी से क्या पाया जाएगा, फेरिंग्स, यहीं पे क्या होती है, यूस्टेकिन वॉल्व पाए जाते हैं, यूस्टेकिन वॉल्व। उसके बाद में फेरिंग्स कहाँ ओपन हो जाएगा, ऑसोफ्रेगस में, ऑसोफ्रेगस कहाँ पे, स्टोमक के अंदर ओपन हो जाएगा, और इधर ही साइड में क्या पाया जाता है, लिवर पाया जाता है, ठीक है ना। फिर स्टोमक किस में, ड्यूडिनम में, और ड्यूडिनम के बाद में ईलियम में। ईलियम कहाँ पे ओपन हो जाएगा, कोलोन, रेक्टम और एनस से। इस प्रकार से क्या चलता रहेगा, पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहेगा। ईलियम, ड्यूडिनम के साइड में क्या पाया जाएगा, पेनक्रियास पाया जाएगा। पेनक्रियास भी क्या होता है, एक
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो कि पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रीशन करती है, जो कि पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रीशन करती है। ठीक है, तो हमने माउथ देख लिया था। ठीक है, माउथ क्या होंगे, अपर और लोअर लिप्स से बना हुआ एक पार्ट है। कहाँ पे ओपन होगा, बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होगा, बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होगा। ठीक है ना, जिसके ऊपर जिसमें क्या पाई जाएगी, टंग पाई जाएगी, और टंग पे क्या पाए जाएंगे, टेस्ट ग्लैंड्स पाए जाएंगे, टेस्ट पार्ट्स पाए जाएंगे, जैसे कि खट्टे के लिए होता है, मीठे के लिए होता है, साल्टी कोई भी सब्सटेंस है उसके लिए, और जो कड़वा होगा उसके लिए भी क्या पाए जाएंगे, टेस्ट ग्लैंड्स पाए जाएंगे। हमने फिर टीथ देखे थे, टीथ में हमने बात की किसकी, इंसाइजर्स की, कैनाइंस के, प्रीमोलर और मोलर्स की। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ की बात की हमने, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, बाइफोडोंट की बात की। हेट्रोडोंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें सारे के सारे टीथ क्या हों, अलग अलग टाइप के हो। हेट्रो का मतलब होता है मैनी, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ्स पाए जाए। बाइफो, डाइफो का मतलब होता है जो पूरा का पूरा एक लाइफ साइकिल है मनुष्य का, इसमें कितनी बार हैं, 2 बार हैं। डाइट का मतलब होता है दो, डाइफो डोंट, डोंट वर्ड हमेशा यूज़ में लिया आता है, किसके लिए वर्ड यूज़ में, टीथ्स के लिए। ठीक है, इस प्रकार से पाया जाए। फिर हमने बात की थी टीथ की स्ट्रक्चर की, टीथ की स्ट्रक्चर में हमने बात की थी ऊपर की पार्ट जो हार्ड कवरिंग पाई जाती है, हार्ड कवरिंग पाई जाएगी, इनेमल होगा, फिर इसके नीचे डेंटिन पाया जाएगा। इनेमल क्या होता है, वाइट पार्ट होता है, और ये ह्यूमन बॉडी का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, ह्यूमन बॉडी का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है डेंटिन। डेंटिन के बाद में पल्प पल्प पाया जाता है। ठीक है ना, फिर इसके अंदर टीथ बोन्स पाई जाती हैं, और जो रूट होता है जिसमें जॉस की में लगा रहता है, तो रूट कैनाल्स पाए जाएंगे, फिर टीथ रूट्स पाई जाएंगी। टीथ रूट के बाद में, ठीक है ना, ये हो जाता है माउथ। फिर आती है बात किसकी, माउथ और बक्कल कैविटी के बाद में फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या होते हैं, मिडिल पार्ट होता है बक्कल कैविटी और ओसोफेरियस के, ज़्यादा कुछ में मोस्ट ज़्यादा काम नहीं होता। फिर बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, ऑसोफेगस में, ये भी क्या होता है, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, ज़्यादा इसका भी काम नहीं होता। फिर बात की जाती है किसकी, स्टोमक की। स्टोमक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कार्डिक, फंडिक और पायलोरिक, कार्डिक, फंडिक और पायलोरिक। ठीक है ना, जो कार्डिक, जो ऑसोफेगस है, सबसे पहले कहाँ ओपन होगी, कार्डिक पार्ट में ओपन होगी, फिर फंडस में आएगा, फिर पायलोरिक, और पायलोरिक का जो है, जो कि लास्ट पार्ट है किसका, स्टोमक का, ये कहाँ पर ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि मोस्टली हम कहते हैं ड्यूडेनम में। ठीक है ना, ड्यूडिनम में क्या होगा, ओपन होगा, इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या पाया जाएगा, स्टोमक पाया जाएगा। ये वाला जो रीजन है, यहाँ तक हमने बना रखा है कार्डिक रीजन, ये फंडस रीजन, और ये जो लास्ट रीजन है पायलोरिक रीजन। कार्डिक रीजन के हम लोग यदि बात की जाए तो ये कैसे, ओसोफ्रेगस से जुड़ा हुआ होगा, ओसोफ्रेगस और कार्डिक पार्ट है, ये कार्डिया का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है ना, जहाँ पे ओसोफ्रेगस आगे खुलता है वहाँ पे एक पाया जाएगा, एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, जिसे हम लोग बोलेंगे कार्डिक इंस्फिंक्टर। ठीक है ना, जो कि फूड की एंट्री को स्टार्ट करता है और एंड करता है, रोकने का भी काम करता है, बाइंड बाइंड करने का भी काम करता है। ठीक है ना, ओके। फिर बात आती है फंडस पार्ट की, इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस का इसकी सेल्स द्वारा, फंडस पार्ट जो होता है इसकी सेल्स द्वारा डाइजेस्टिव जूस का सेक्रीशन किया जाता है। ठीक है ना, जो कि और ये मिडिल पार्ट भी होता है स्टोमक का। फिर बात आती है लास्ट पार्ट, पायलोरिक पार्ट की, लास्ट पार्ट पायलोरिक पार्ट की बात आती है। ये क्या होता है, टर्मिनल पार्ट है, लास्ट पार्ट, लास्ट और टर्मिनल बातें की, जो कि किससे, ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ पाया जाएगा। पायलोरस इसे बोलते हैं। ठीक है ना, पायलोरस इसे बोलते हैं, और यहीं पर क्या होगा, यहीं से जो फूड है वो ड्यूडिनम के अंदर जाएगा, तो इस पे एक क्या पाया जाता है, वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं पायलोरिक वॉल्व। ठीक है, पायलोरिक वॉल्व कहते हैं। ये यदि बात की जाए इसकी स्ट्रक्चर्स की बात की जाए, या इसकी लेयर्स की बात की जाए, तो इस प्रकार से क्या पाई जाएंगी, इसमें लेयर्स पाई जाएंगी। इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, मोस्टली क्या बात करते हैं हम लोग, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, HCl का सेक्रीशन किया जाएगा। अब इसके अंदर क्या पाई जाएंगी, ग्लैंड्स पाई जाएंगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि HCl का सेक्रेट करती है, पायलोरिक ग्लैंड्स जो कि क्या करती है, म्यूकस को सेक्रेट करती है। म्यूकस का सेक्रेशन हमेशा इसलिए होता है ताकि जो HCl है, हार्ड एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये स्टोमक की जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होते हैं, वॉल्स ऑफ स्टोमक को किसी भी प्रकार का डैमेज ना कर पाए, म्यूकस इसलिए सेक्रेट किया जाता है पायलोरिक ग्लैंड्स के द्वारा। ठीक है ना,
फिर बात आती किसी फिफ्थ नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन की, फिर बात आती है किसकी फिफ्थ नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्टोमक कहाँ पे ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स में, और पाइलोरस हमने इसे बोला था। और जो आगे का जो यू शेप्ड में स्ट्रक्चर पाया जाता है, लगभग लगभग 25 सेंटीमीटर का लंबा, उसे हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है ना, ड्यूडेनम। इसके अंदर क्या होगा, जो बाइल डक्ट्स होंगी और पैनक्रियाटिक डक्ट होगी। पैनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन कहाँ पे आती, कहाँ से है, पैनक्रियास से आती है, किस चीज़ को लेकर, पैनक्रियाटिक जूस को लेकर आती है, ठीक है ना। तो ये आके इसमें खुलती है, ओके। इसमें पाई जाती है, जो ओपनिंग होती है इस पे पाया जाता है एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग बोलते हैं इन्सफिंक्टर ऑफ ओडीआई, इन्सफिंक्टर ऑफ ओडीआई बोलते हैं। जो सेकेंड पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, जो कि लगभग 1 मीटर लंबा होता है, ठीक है ना, और कॉइल्ड कंडीशन में पाया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं जिजुनम, ठीक है ना। उसके बाद में होता है 1.75 मीटर लंबा एक पाइल पार्ट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ईलियम, ठीक है ना, ड्यूडेनम, जिजुनम और ईलियम, ठीक है ना, ओके। फिर हम ये यदि बात की जाए कि इंटेस्टाइन में हम लोग बात करते हैं, मोस्टली एब्जॉर्बेशन होता है, क्या होता है, एब्जॉर्बेशन होता है। तो एब्जॉर्बेशन के लिए क्या होता है, इसमें कुछ उंगली के समान फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए प्रवर्ध पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस प्रकार से, ठीक है ना, जो कि करते हैं एब्जॉर्बेशन सरफेस को बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि एब्जॉर्बेशन सरफेस को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर को भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ही बनाया हुआ है। इस प्रकार की पाई जाएगी, इसकी इंटरनल सरफेस पाई जाएगी, जो कि हमने इस प्रकार से शो कर रखी है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या पाई जाती हैं, लेयर्स पाई जाती हैं, म्यूकस लेयर जो कि म्यूकस का सेक्रेशन करती हैं, सब म्यूकोसा लेयर, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर और सिरोसा लेयर, इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते थे, ओके। फिर आती है बात किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। फिर आती है बात किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है, क्योंकि इसके बाद में क्या होती है, एनस आ जाती है, इसकी हेल्प से जो वेस्ट मटेरियल होता है, या कह सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड होता है, इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है जो 8.8 से 8 सेंटीमीटर का लंबा होता है सीकम, फिर कोलोन, फिर रेक्टम। रेक्टम में क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं ये अनडाइजेस्टेड फूड को या वेस्ट मटेरियल को कर सकता है, स्टोर कर सकता था, ठीक है, ओके। फिर बात आएगी किसकी, एनस की। एनस क्या होगा, लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज रेक्टम विच ओपन आउटसाइड बाय एनस। रेक्टम कहाँ पे ओपन होता है, एनस की हेल्प से बाहर रिलीज कर देता है, ठीक है ना। इस पे क्या पाए जाते हैं, कुछ वॉल्स पाए जाते हैं जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बने हुए होते हैं, स्मूथ मसल से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर बात की जाए, ये होगा तो से बात, हमने डाइजेशन में दो टॉपिक पढ़े थे, एक एलिमेंट्री कैनाल था, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड थी, ठीक है ना, एक एलिमेंट्री कैनाल था और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड थी। एलिमेंट्री कैनाल में एक बार दोबारा देख लेते हैं हम लोग, एक बार दोबारा देख लेते हैं हम लोग कि हमने बात किस किस चीज़ की करी। एलिमेंट्री कैनाल में हमने बात कर ली थी माउथ की, बक्कल कैविटी की, फेरिंग्स की, ऑसोफ्रेगस की, स्टोमक की, ड्यूडेनम एंड इलियम की, ठीक है ना, ड्यूडेनम। फिर आई बात किसकी, जेजुनम। ड्यूडेनम के बाद में आया था जेजुनम आया था, जो कि ड्यूडेनम से थोड़ा सा बड़ा था, 1 मीटर लंबा था। इलियम 1.75 मीटर लॉन्ग पाया जाता है, ठीक है ना। इलियम क्या होगा, 1.75 मीटर लॉन्ग लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ड्यूडेनम क्या होगी, यू शेप की नली होती है, यू शेप का फूड पाइप होता है, जो कि इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाएंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाएंगे, जिन्हें हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्बेशन सरफेस को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है ना। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में रेक्टम और एनस, रेक्टम और एनस। ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ तक जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स थे, ये
जैसे कि हमने बात की थी, हमने फिर एलिमेंट्री कैनाल थी, एलिमेंट्री कैनाल के हमने बाद में बात की थी किसकी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे हमने बात की लीवर की, स्लाइवरी ग्लैंड्स की और पैनक्रियास की। पैनक्रियास की हमने क्या किया, बात की है, ठीक है ना। ओके, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।